तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ये अरहर की दाल, बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। चावल या रोटी के साथ सर्व करिए, आपके मेहमान भी पूछेंगे कि इसकी रेसिपी क्या है, बतलाइए कितनी टेस्टी बन के तैयार होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। 200 ग्राम मैंने ले लिया है अरहर की दाल को, और इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे प्रेशर कुकर में इसे पकाना है। इसे हम लोग अच्छे से धो लेंगे, तो मैं पानी डालकर दो बार इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसे वॉश कर लेंगे। तो एक बार मैंने धो लिया है, दूसरी बार मैं इसे धो ले रही हूँ, तो दो से तीन बार आप इसे धो लीजिएगा। उसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ 5 लहसुन को और 1 हरी मिर्च को और 1 कटा हुआ प्याज। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बस एक ही मिर्च डाली है। टमाटर मैं 1 ले रही हूँ जिसे मैंने काट लिया है, और उसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच। नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। इसे हम लोग पानी डालेंगे क्योंकि अब इसे हमें पकाना है, तो जैसे आप दाल पकाते हैं बस उतना पानी डालें जितना आप दाल पकाने के लिए डालते हैं, बस डाल दें इसमें। अच्छे से सब चीज़ों को मिला दें, नमक हल्दी जो भी हमने डाला है, और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें और इसे पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दें। तो बस कुछ सीटी आने तक हमें इसे पकाना है ताकि हमारी दाल जो है अच्छे से पक जाए। तो चलिए इसे पकाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो मैंने दाल को पकाने के लिए चढ़ा दिया है, और कुछ सीटी आने के बाद मेरी दाल जो है वो पक गई है, ये देखिए। और दाल जो है अच्छे से कुक हो गई है, मैं आपको दिखलाती हूँ, ये मैश हो जा रही है इस तरह से। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ऐसा ही रखिए, और अगर चाहते हैं तो इसे अच्छे से मिला दीजिए, तो दाल जो है थोड़ी सी और पतली हो जाएगी। गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप वैसे ही रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिला दे रही हूँ इसे। तो ये दाल बहुत टेस्टी सी बन के तो तैयार हो गई है, लेकिन इसका अभी तड़का लगाना बाकी है। अगर हम तड़का लगा दें तो और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तड़के के लिए मैंने लिया है 1/2 प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, और मैंने 1/2 छोटी चम्मच जीरा ले लिया है, थोड़ा सा अदरक का जूलियन ले लिया है, और मैंने लहसुन ले लिया है कम से कम 4 लंबा लंबा काट के बारीक, और उसके बाद मैंने 1 मिर्च को ले लिया है। तो प्याज को मैंने कुछ इस तरह से काटा है, ये देखिए, बहुत बारीक मैंने नहीं किया है। और ये मिर्च मैं बस 1 ले रही हूँ, बीच में से मैंने चीरा लगा दिया है मिर्च में कुछ इस तरह से। तो बस मैं 1 मिर्च ले रही हूँ, आप चाहें तो लाल सूखी मिर्च भी ले सकते हैं। और 3 पिंच मैं ले रही हूँ हींग को, तो बस 3 पिंच मैंने हींग ले लिया है। अब मैं तड़के के पैन में तेल को गर्म कर रही हूँ, तो तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज को। प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ी देर इसे पकाते हैं, कुछ सेकंड, क्योंकि प्याज को थोड़ा पकने में समय लगता है। थोड़ा सा पका लिया है, और इसमें मैं मिर्ची डाल दे रही हूँ, तो हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी है, और मैं ज़ीरे को भी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ज़ीरे को तड़क जाने दें अच्छे से मिर्ची के साथ, थोड़ा सा चला दें किसी चीज़ से, और उसके बाद बाकी चीज़ों को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसमें लहसुन को डाल चुकी हूँ, लहसुन को डाल दिया, और उसके बाद साथ ही हम डाल देंगे अदरक को। तो अदरक के जूलियन को हमने काट के रखा था, उसको भी इसमें डाल दिया है, और थोड़ी देर और पका लेते हैं जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर नहीं आ जाता है। तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा सा चला ले रही हूँ, और चलाते हुए इसे पका रही हूँ। तो ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, और इस तरह से पका के जब हम तड़का डालते हैं तभी महक जो है अच्छे से आएगी दाल में। अब मैं थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ, जो कि 1/2 छोटी चम्मच मैंने सब्जी मसाला डाल दिया है, और हींग को जो लिया था उसको भी डाल दिया है। चूल्हे को मैंने इस अभी बंद कर दिया है क्योंकि तेल बहुत गर्म है। उसके बाद अब सबको हम लोग डाल देंगे दाल के ऊपर। तो सारा तड़का मैंने डाल दिया है दाल के ऊपर, और तड़का लगा देने से दाल देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे थोड़ी देर ढक देते हैं। जब भी आप तड़का लगाएं, तो जब आप तड़का लगा लें तो थोड़ी देर उसे ढक दें, इससे तड़के की अच्छी सी महक खुशबू पूरी तरीके से दाल में आ जाएगी, या जिस भी रेसिपी को आपने बनाया है उसमें आ जाएगी।
तो अब मैंने ढक्कन को हटा दिया है और तड़के वाली ये हमारी अरहर की दाल बनके तैयार है। इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई धनिया की पत्ती को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके से अरहर की दाल को ट्राई नहीं किया है तो इस बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। हमारी अरहर की दाल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चावल के साथ इसे सर्व करिए, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, पूड़ी या पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट करके। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी मेरी रेसिपीज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए दोस्तों ऐसे ही, तो मिलेंगे हम लोग फिर से ऐसी ही नई नई और बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।